नमस्कार, मैं नेहा सिंह हिलसा पूर्वी क्षेत्र में आज मैं मौजूद हूँ, जहाँ भी जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार हैं राजीव रंजन उर्फ शिव कुमार शर्मा। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले नेहा जी, मैं नमस्कार करता हूँ आपके टीम को, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे बीच आप उपस्थित हैं, और आपके माध्यम से मैं अपना जनता को नमस्कार करता हूँ। सर, ऐसा गांव में क्या समस्या हुई कि आपको चुनाव पद के लिए आपको चुनावी हिलसा खड़ा होना पड़ रहा है? हिलसा पूर्वी क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवार हूं, और मैं मेरे समस्याएं जो हमारे क्षेत्र का है, 8 को मेरे समय पंचायत है, मेरे क्षेत्र में 8 पंचायत है, 8 पंचायत के भ्रमण करने के उपरांत हमने बहुत सारे समस्याओं को अवलोकन किया, उसे हमने नोट किया डायरी में भी कहाँ पर क्या समस्याएं ज़्यादा भी हैं। तो ये प्रतीत होता है कि समस्याएं तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुख्य समस्याएं हैं उसको हमने देखे हैं कि भाई किसान भाइयों के बीच में समस्याएं ज़्यादातर देखने को मिला, महिलाओं के बीच में समस्याओं देखने को मिला। खासकर देखा जाता है तो कुछ गाँव तो ऐसा है कि वहाँ रोड का स्थिति बहुत ख़राब है, जैसे कपस्यामा पंचायत के अंतर्गत हमने देखा, कपस्यामा बहुत सारा बड़ा गांव है, उसमें 3 साइड से रोड है, लेकिन तीनों रोड बेकार है, जाने लायक नहीं है। हम लोग बहुत बार गए, कभी गाड़ी फंस जाता है, कभी बारिश होती है तो पाका हो जाता है रोड में। तो सरकार द्वारा बहुत सारे योजनाएं हैं, लेकिन ज़मीन पर आते आते उसमें कुछ लोग के बीच बिचौलियों के बीच में कठिनाई के कारण जनता के बीच में सही से समस्या नहीं निकल पाता है, नहीं सावधान हो पाते हैं लोग। सर, यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य की तो व्यवस्था मिला जुला कहा जाए तो ठीक ठाक है, कुछ जगह पर है गड़बड़, उसको सुधारने की आवश्यकताएं हैं जी। और शिक्षा की? शिक्षा के तो समस्याएं तो है, बच्चों लोग को तो अभी कोविड के चलते लोग पढ़ाई लिखाई अभी नहीं हो पाया, लेकिन इधर स्कूल विद्यालय खुल चुकी है और धीरे धीरे लोग बच्चे लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और सरकार का जो योजना है वो सही से लागू नहीं हो पा रहा है ज़मीन पर। उसे लागू करने के लिए एक सच्चा सिपाही की आवश्यकता है, एक सच्चे योद्धा की आवश्यकता है हमारे क्षेत्र में। अभी जैसे बाढ़ आई थी जी जी गांव में, आप एक समाज सेवी हैं जी जी, तो आप लोगों के बीच में आप क्या मदद किए थे? लोगों के बीच में तो हमारा जो पश्चिमी इलाका है हिलसा का, बाढ़ से ज़्यादा ग्रसित हुआ और कुछ दिन तक पानी रहा, और किसान भाइयों के बीच में तो समस्या उनके बीच में ऐसा हुआ कि जितना भी फसल था वो सारे फसल दह गए, डूब गए। किसान भाइयों का जो पूंजी लगा हुआ था, बहुत समस्या के बीच में भी खाने का भी उनके पास परेशानी हो चुका है। जहाँ तक जो संभव हुआ हम लोग गए, बीच में बैठे, बातचीत किए, जो हमसे बना वो हम लोग निरंतर करने का प्रयास करते रहते हैं। हमारे क्षेत्र जो हिलसा पूर्वी क्षेत्र जिला परिषद जो अभी वर्तमान उसमें हैं, वो माननीय पुरुषोत्तम कुमार जी हैं। हम तो विभिन्न पंचायतों में, जो मेरा 8 पंचायत क्षेत्र है उसमें सभी पंचायत में भ्रमण करने के बाद उनका नाम लोग कुछ जगह जानते हैं, कुछ लोग तो जानबे नहीं करते हैं कि मेरा जिला परिषद चिन्हबे नहीं करते हैं। तो काम क्या हम कह सकते हैं, इसे तो अनुमान आप लोग लगा सकते हैं कि वैसे जनप्रतिनिधि जो अपने पंचायत स्तर पर, अपने क्षेत्र स्तर पर अगर रूबरू व्यक्ति से नहीं होते हैं या उनको लोग नहीं जानते हैं तो क्या काम करेंगे, तो आप आकलन लगा सकते हैं, इसे हम कहने की आवश्यकता हमको नहीं। क्षेत्र की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि जो हमारे क्षेत्र के 8 पंचायत के जनता लोग हैं, मैं यही चाहूँगा कि आप लोग 5 साल के लिए आप उम्मीदवार को चुनने जा रहे हैं आने वाले समय में, वो सच्चे उम्मीदवार, सच्चे अपना दिल पर हाथ रख करके चुने, जो कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलें और दुख सुख में एक दूसरे को साथ दें। और मेरा यही कामना है अंतिम में कि मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आइए अपील करता हूँ कि 5 साल के लिए सच्चे साथी को चुने, सच्चे समाज सेवी को चुने जो आपके बीच में सब घड़ी उपस्थित हों जी। धन्यवाद जी।